तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह सुबह नहीं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि करीबन शाम के बज गए हैं अभी आपके। मैं टाइम बताता हूँ आपको, टाइम दिखा देता हूँ, 3:26 हो गए हैं, इसमें दिखेगा नहीं आपको क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो यहाँ पे देखो सब लोग बैठे हुए हैं चारपाई में, और यह है लक्षिता। लक्षिता ने देखो सारे कुरकुरे गिरा दिए हैं। लक्षिता सारे कुरकुरे गिरा दिए लक्षिता ने, और ये उठा उठा के खाने में लगा पड़ा है देखो पीछे से। और ये आई अवनी हमारी। अवनी क्या खा रहे हो? तो हमारे यहाँ पे दादाजी बैठे हैं। दादाजी बढ़िया हो? बढ़िया। तो कुछ पुरानी बातें बताएंगे दादा हमारे आपको। तो पुरानी बातें बताओ दादा, दो चार जरा, कैसे होता था तुम्हारे दौर में? इधर को देखो ना कैमरे में, अब बताओ। तो हमारे दादाजी आपको कुछ बता रहे हैं कि क्या होता था दादा पुराने जमाने में। अरे हमारे जमाने में बहुत कुछ हो गया। हाँ? पहले मतलब कि कुछ भी नहीं था मतलब? अरे हमारे जमाने में कुछ भी ना था। अच्छा, और दादा के जमाने में कुछ भी नहीं होता था, फिर क्या होता था? ना कोई डॉक्टर है, ना कोई कोई कुछ भी ना है। तो क्या होता था? अरे हमारे जमाने में कुछ भी ना है। हाँ, ना तुम्हारी ये बसें ही, बसें भी नहीं थी, ना तुम्हारा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी नहीं हुआ करता था उस शहर पे। बैलों से जमीनें जुते ही। जब वो कारगिल का युद्ध हुआ था, हाँ, गेहूँ गेहूँ बैलों से कहाए करे है, गेहूँ कहाने की मशीनें भी नहीं है। कोलू चलते थे, कोलू चल के गुड़ बनाए करे है, और पानी निकालते थे ना वो चारों तरफ। वो जो मैंने देखा था वो सही सुना था, मतलब पहले ऐसे होता था काम सारा। ना तुम्हारा कोई ट्यूबवेल है? ट्यूबवेल भी नहीं था कोई, कुछ भी नहीं। पानी कैसे निकालते थे पहले सब? पानी बैलों से, बैलों से निकाले करे, कुआ से। अच्छा, कुएं से। हाँ, तुम्हारे की बहुत सारी चीजें थी पुरानी, मतलब कि गेहूं बैलों से गहाए करे है। हाँ, मतलब कूटते थे मतलब उसको, है बैलों से। ना तुम्हारा ये बाजपुर से ये रोड है, मतलब यार रोड भी नहीं था हमारा बाजपुर वाला जो हल्द्वानी को जा रहा है। तो पहले ऐसे पैदल जाते थे? पैदल जा करे, और हम तांगा लाए करे तो पूरे दिन में आए करे तांगे में। और पूरे दिन लग जाता था तांगे में बल यार, देखो पूरा दिन लग जावे। हाँ, और तुम्हारे की खेती को पानी लगाने का कोई साधन नहीं है? साधन कुछ नहीं होता था उस टाइम पे? उस टाइम कुछ नहीं है। अच्छा, अब तो खेत खेत ट्यूबवेल हो गया। अब तो हाँ, खेत खेत ट्यूबवेल हो गया है, पहले तो कुछ भी नहीं हुआ करता था। है? कुछ नहीं है, ऐसे ही मतलब बैलों से चलता था पूरा काम। पहले की कृषि मतलब बैलों से ही की जाती थी ज्यादातर। हाँ, ज्यादातर बैलों की कमाई खाबे। अच्छा, गन्ना बैलों से ढोबे है, गन्ना बैलों से ढूटा था पहले। और मतलब कोई कुछ नहीं था पहले, गाड़ियाँ कुछ नहीं हुआ करती थी, कुछ नहीं है। अब तो सब पैदल जाते थे बहुत दूर दूर अपने घर। अरे, और फोन भी नहीं हुआ करता था ना उस दौर में, पहले कैसे बात करते थे? यहाँ के गाड़ी लेके जाए करे है, तो 10-10, 12-12 सवारी जा पाई गाड़ी में, तो चैती का मेला देख के आवे है। चैती का मेला देख के आते थे इतनी दूर? हाँ। अच्छा। गाड़ी से जाए करे, और अपना गोट कूड़ा इतना ले जावे, 5-6 दिन में लौट के आवे। मतलब सारा खा, मतलब खप खप सब कुछ ले आते थे वहाँ? सब कुछ ले, खाने पीने का धंधा भी वहाँ बना के खावे है। अच्छा, तो पहले मतलब ऐसे ही हुआ था पूरे दौर में, मतलब पहले ऐसे ही होता था गाइस। तो हमारे दादाजी बता रहे हैं, देखो सुनो, कुछ नहीं है उस जमाने में, कुछ नहीं होता था है? पहले के जमाने में ना कोई डॉक्टर है, ना कुछ कुछ भी, मतलब अस्पताल अस्पताल कुछ भी नहीं हुआ करते। और टेलीफोन में बात कैसे करते थे पहले? पहले टेलीफोन है ही ना, वो ऊपर चले करे है टेलीफोन, तारों वाला था उस टाइम पे। और वो संदेश लिख के भेजते थे मतलब चिट्ठी, वो 2-3 दिन में आ करती थी पहले। तो ऐसा कुछ दौर बता रहे हैं हमारे दादाजी, पुरानी बीती बातें जो हुआ करती थी, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं दादाजी। देखो पहले जमाने में क्या होता था दादा? बारात चढ़ कर रही टांगों से। अच्छा, टांगों से चढ़ती थी पहले बारात पूरी? हाँ। बताओ, घोड़े टांगे से चढ़ती थी टांगों से बारात? अरे घोड़े घोड़ों से कहाँ चढ़ेगी, फिर कैसे चढ़ती थी टांगे ये छोटे बारे? हाँ, टांगों से बारात चढ़ेगी। हाँ। और ये जो है पहले ना कोई सड़क ही ना कुछ है, और वैसे ही टांगों से बारात चढ़ेगी। अच्छा, टांगों से बारात चढ़ती थी दादाजी। हाँ। हमारे दादाजी देखो पुरानी बरातों के बारे में बता रहे हैं, पुरानी बरातें कैसे कैसे हुआ करती थी। तो दादा बताओ। हाँ, टांगों से बारात चढ़े करे ही, और रथ में बनना जाए करे। रथ में बनना जाता था? बल बनना मीन्स क्या होता है? दूल्हा? हाँ, दूल्हा। अच्छा, उसे बनना कहते थे पहले?
हाँ झूला कह लो जब बनना है। अच्छा, और फिर खाना पीना होए करे यार। खाना पीने में क्या होता था पहले? ऐसे होता था जैसे अभी होता है? अरे ऐसा कहाँ, फिर कैसा होता था? पहले चावल और शक्कर चले ही खाने। चावल और शक्कर देते थे बस, खाली सब्जी नहीं देते थे? सब्जी आलू की और उड़द बने हैं, उड़द की दाल और खाली और आलू की सब्जी देते थे और बैठा के खिलाते थे ना। ये तो मैंने भी सुना है, बैठा के खिलाते थे। और बैठा के खाना खिलावे। हाँ, और बड़ा सुविधा तो अच्छा। तो ये दादा की देखो मस्त करके चाय आ गई यहाँ पे। और दादा तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है दादा? हेलो, है? तुम्हारी उम्र 90 साल की उम्र हो गई मेरी। अच्छा, दादा की 90 साल की उम्र हो गई है। देखो, और दादा जब 15 साल के हुआ करते थे तो कैसा होता था मतलब उस टाइम का दौर? अरे उस टाइम कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था उस टाइम पे? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। दादा बता रहे हमारे बैलों से गेहूं का हाय करे है पूरे दिन में। तो 15-15 दिन हवा को देखते रहे, चलेगी तो गेहूं उड़ांगे। मतलब हम जब छोटे थे तब क्या करते थे, मतलब खेलते कैसे थे उस टाइम पे, कैसा दौर था मतलब? अरे उस ये बताओ दादा हमारी जरा जनता को। बैलों से हर जोते है। अच्छा, जमीन बैलों से कमावे, कोई साधन नहीं है जोतने का। और दादा हमारे पढ़े लिखे कितने दादा, ये भी बता दो कितने तक पढ़ रखा है? अरे मैं 5-6 दर्जे कुल पढ़ा हुआ उस जमाने मतलब में। 5-6 क्लास पढ़ी है मतलब? उस जमाने में 6-7 दर्जे पढ़ा हुआ मास्टर बन जाए। अच्छा, उस दौर में जो 5-6 पढ़ लेता था वो मतलब टीचर बन जाता था? हाँ हाँ। तो दादा के दौर में बहुत सारी चीजें थी जो दादा ने हमें बताई, क्यों दादा? हाँ। तो दादा शादी कितनी एज में हो गई थी तुम्हारी उस टाइम पे? उम्र कितनी थी जब शादी हो गई थी तुम्हारी, ये भी बता दो हमारी यूट्यूब फैमिली को। 20 साल की उम्र ही। 20 साल में शादी कर दी थी? इतनी जल्दी? पहले ऐसी करते थे क्या इतनी जल्दी शादी? इतनी जल्दी शादी कर दी थी आप 20 साल की उम्र में? देखो दादा ने तो तुम्हारी बारात में तो बहुत लोग नाचे होंगे फिर। तुम्हारे दोस्त कितने थे दादा? ये देखो इसकी शादी होने वाली है और ये अभी बोलने में लगी पड़ी है, पता नहीं क्यों यहाँ से धूप लग रही है यार इसके चेहरे में, शकल नहीं दिख रही होगी देखो। चलो दुल्हन का चेहरा ही ना दिखे अच्छे से तो सही है। क्या कह रहे हो दादा? मतलब दादा की शादी जो हुई है बहुत धूमधाम से हुई थी है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कपड़े बनाए नहीं बनाई है, ऐसी भेज दिया लुंगी पजामे में बारात चढ़ाने? अरे कोट पजामा है। अरे कोट बना तो उस टाइम पे तो कोट चलता ही नहीं था, तुम कैसे कह रहे हो कोट पहना लिया? अरे कोट चला उस टाइम। अरे नहीं चलता था उस टाइम पे कोट और जबार कट है कोट वहां तो। पहले पूरी डिटेल बता दी हमारे दादाजी ने कि क्या क्या हुआ करता था पहले के दौर में। तो दादाजी और कुछ बताओ? और जब हम वहाँ से अपने गाँव से आए खड़े है तो रेलगाड़ी से आए खड़े है, कोई साधन नहीं। पहले तो रेलगाड़ी भी नहीं होती थी? तो आप रेलगाड़ी की बात कर रहे हो दादा? रेलगाड़ी ही उस टाइम ही थी, उस टाइम थी। जब हम अपने यहाँ से आवे लाल कुआ होते हुए और हल्द्वानी होकर आए करे। अच्छा, यहाँ को घर को आते थे तो? और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं हुआ करता था पहले, ना बस है ही ना कुछ है। अच्छा, और अब तो भैया लाइन लग जाए। और पहले वो पैक है कैसे पीते थे वो भी बता दो थोड़ा सा। पैक तो वो खूब मुंह छुट पिए है। मतलब वो अब तो जैसे अंग्रेजी दुकानों खुल गई है, वो पहले क्या, वो क्या पहले वो हाथ से जूस निकाल रहा और वो पी लिया, जूस निकाल के वो दारू बन गई क्या? वो उससे जूस से दारू बना कर रही, जूस की दारू बन गई सीधे है? सीधे सीधे बताओ मुझे, पहले मतलब जूस निकाल लिया और दारू पी लिया। तो दादाजी हमारे कुछ पुरानी बीती बातें बता रहे हैं कि पहले कैसे कैसे हुआ करता था। तो आप लोग भी देखिए और दादाजी की पूरी वीडियो आपने देखी ली होगी और दादा से बहुत सारी जानकारी ऐसे मिलती रहेंगी, क्यों दादा? हाँ। पुरानी बीती बातें बताते रहेंगे दादा और आपको मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाता रहूँगा। तो ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना। अरे दादाजी की उम्र कितनी है दादा आपकी? 90 साल की।